Bye. बस अब गेट खुलने का वेट है एंड देन बहुत सर्दी हो रही है, मेरी नोज ब्लॉक हो चुकी है। आई वोंट ब्लॉक दैट मच नाउ बिकॉज एनर्जी ड्रेन हो चुकी है मेरी। यू कैन सी माय फेस फॉर नाउ। बाय बाय। हमारी फ़्लाइट थी मुंबई टू बैंकॉक वाली और रात में 11:30 बजे फ़्लाइट थी। 4 घंटे में हम लोग बैंकॉक पहुंचने वाले थे। 3 आवर्स का लेओवर था और उसके बाद 8 आवर्स लॉन्ग हम लोग की फ़्लाइट थी मेलबर्न की। एंड बैंकॉक वाली जो फ़्लाइट थी मुंबई टू बैंकॉक वाली गाइस, उसमें मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। मुझे वॉमिट हुई, मुझे चक्कर जैसा होने लगा। आई थिंक डिहाइड्रेशन वॉज द रीज़न। सो जब भी आप ट्रैवल करें मेक श्योर आप बहुत पानी पी रहे हो। मुझे वैसे ही थोड़ी सर्दी थी, उस वजह से मेरी और तबीयत ख़राब सी लग रही थी। मुझे टेंशन थी कि मैं जो मेरी नेक्स्ट मेलबर्न तक की 8 आवर लॉन्ग फ्लाइट है वो कैसे मैं ट्रैवल करूँगी। बट थैंकफुली उसमें मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने एक टैबलेट भी खा ली थी जिसकी वजह से मुझे ठीक लग रहा था और मैंने अपना एक बहुत ही अच्छा तगड़ा इंतज़ाम किया था। आप देखिए आगे मेरी जो सीट थी वो एक्स्ट्रा लेग स्पेस वाली थी और उसमें मैंने सामने ट्रॉली रख ली थी और इस वजह से मैं बहुत अच्छे से सो पाई थी। मैं 8 घंटे सोते हुए आई हूँ और इतना गंदा खाना मिला था। थाई एयरवेज का इतना गंदा खाना था ना, मैंने कुछ भी नहीं खाया। मेरे साइड में एक बेबी था, उसने अपनी मम्मा को बहुत परेशान किया हुआ था। फाइनली जब वो सो गया तब शांति से मैं भी सो पाई, उसकी मम्मा भी सो पाई। सो बहुत मुश्किल से सफ़र कटा था गाइस। बहुत डिफ़िकल्ट होता है ट्रैवल करना। सो फाइनली अंशिता आने वाली है। 7:15 हो चुके हैं। 9:20 पे फ्लाइट लैंड कर दे हो जाएगी। सो जस्ट मैं अभी एक स्टोर आया हूँ फ्लावर्स लेने, फिर वहाँ से घर जाऊँगा। कुछ सामान लिया हुआ है मैंने, वो रखूँगा एंड देन वहाँ से एयरपोर्ट अंशिता को पिकअप करने। लेट्स गो। ये बुके हैं, बहुत सारे बुके हैं, तो कौन सा लेना है। यहाँ भी हैं, मैं देखता हूँ कौन सा लूँ, कौन सा फाइनल करूँ उनमें से। सो गाइस मैं निकल चुका हूँ अंशिता को लेने। अभी बज रहे हैं 8:15। यहाँ से 1 घंटा लगता है एयरपोर्ट पहुँचने में। ट्रैफिक भी मिलेगा रास्ते में बट विल बी रीचिंग बाय 9:15। फ्लाइट का टाइमिंग है 9:20 बट मोस्ट ऑफ द टाइम फ्लाइट जल्दी लैंड हो जाती है कई बार। बट आई थिंक इमिग्रेशन में टाइम लगेगा उसको क्योंकि शी इज़ कमिंग फर्स्ट टाइम। मोस्ट प्रोबली हाफ एन आवर 45 मिनट्स लगता है इमिग्रेशन एंड देन बैग पिकअप करने में बाहर आते आते। तो मोस्ट प्रॉब्ली वो 9:30-10 तक आएगी बाहर एंड लेट्स सी क्या होता है। एक्साइटेड। हम एयरपोर्ट, फ्लाइट लैंड हो चुकी है। किसी भी टाइम इस गेट से अंशिता बाहर आ जाएगी। सो गाइस फ्लाइट लैंड हो चुकी है, इमिग्रेशन हो रहा है उसका, स्टिल वेटिंग। अभी 10-15 मिनट और लगेंगे उसको बाहर आने में। On my way to see Yashna.
हमें इमिग्रेशन में ही अप्रॉक्सीमेटली 1.5 आवर्स लग गए थे क्योंकि एक साथ 6 फ्लाइट लैंड करी थी और हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। इमिग्रेशन में बहुत टाइम लगा, जितनी जल्दी हो रही थी एयरपोर्ट से बाहर निकलने की उतना लेट हम होते गए। और यहाँ यश मुझे दिख गया, फाइनली हम बाहर आए तो बेचारा 2 घंटे से वेट कर रहा था। द वेट वॉज फाइनली ओवर, वी वर सो एक्साइटेड टू सी ईच अदर। हम अपने घर वालों को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हम लोग पहुंच गए हैं। आ जाओ बस, अब आप लोग आना है। जा रहे हैं अपने घर फाइनली, बहुत थक गए इतने लंबे सफर के। आपने क्या किया आज पूरे दिन? सफाई, मेरे आने की खुशी में सफाई सफाई शॉपिंग और सीधा 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 राशि सीधा। फाइनली मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन हो रही थी जब मैं बैंकॉक वाली फ्लाइट पर बैठ रही थी कि 8 घंटे कैसे निकलेंगे, और अब फाइनली हम पहुँच चुके हैं मेलबर्न एंड वी आर सो हैप्पी। उसके बाद क्या शॉपिंग करी, भूख लग रही है बहुत जोर से। यश बनाएगा पुलाव। अभी हाँ अभी टाइम है घर पहुँचने कितना? 26 मिनट। भाई आधा घंटा और, 1 बजे के ही खाना खाएंगे। हाँ 1 ही बज जाएगी। साढ़े बारह बजे सिंस माइलो बॉर्नविटा यहाँ नहीं मिलता तो हम माइलो लेने आए हैं क्योंकि मुझे रात में दूध पी के सोने की आदत है। गाइस बंद हो गया क्या? थोड़ी ठंडी है एज कम्पेयर टू इंदौर, मुझे हर जगह ठंडी लगती है शायद। सो अभी खुला है कोई अंदर, माइलो मिल जाएगा। यस सो अभी हम घर जाएंगे, अभी तक हम घर नहीं पहुँचे, थोड़ा दूर था एयरपोर्ट से घर, अब हम घर जाएंगे। बंद हो गया नो माइलो, बाय गाइस अब व्लॉग नहीं करना। एक जगह माइलो नहीं मिला था और मुझे दूध पीना है क्योंकि कुछ गर्म पी लेते हैं ना तो थकान उतर जाती है। सो हम दूसरी जगह आए हैं अभी, लेट्स होप मिल जाए। ये खाना तो अब क्या ही खाएंगे, यश ने सुबह से कुछ खाया नहीं तो वो पुलाव बनाने का बोल रहा है। सो मैंने मना नहीं किया, अगर मैं मना कर दूँगी तो वो खुद भी नहीं खाएगा। सो मैंने उसको बुलाया, ठीक है खा लेंगे, मैं थोड़ा सा खाऊँगी बाकी मैं दूध पीऊँगी अगर माइलो या बॉर्नविटा मिल जाएगा तो। हाउ मैनी ऑफ यू स्टिल ड्रिंक्स बॉर्नविटा गाइस, कमेंट करके बताना। आई एम अ ट्रू बॉर्नविटा लवर। यस नहीं मिला। बैड लक, आज हल्दी वाला दूध पी लेंगे। हल्दी वाला ही पीना, उससे थकान उतर जाएगी। ओके एज यू सी पहुंच गए हैं अपने घर। What do you feel beside?
you did sometimes. Seeing eyes of mine. Love, 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 I wanna be strong. मैं जब तक फ्रेश हुई तब तक यश ने पुलाव बनाया था एंड देन वी बोथ एंजॉयड द पुलाव एंड विद सम लिटिल हल्दीराम स्नैक एंड दिस वाज इट.